घर के लिए कौन सा प्रिंटर लें। दोस्तों आप लोग जितने भी कमेंट्स करते हैं उनमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही होता है कि हम अपने घर के लिए कौन सा प्रिंटर ले सकते हैं। दोस्तों घर के लिए कौन सा प्रिंटर हमें लेना चाहिए, ये जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें घर में प्रिंटर का यूज क्या है। दोस्तों अगर बात करें घर में प्रिंटआउट निकालने की, तो हम लोग ज्यादातर अपने बच्चों के स्कूल के प्रोजेक्ट्स वगैरह निकालते हैं, या फिर हमें कोचिंग और इंस्टीट्यूट से जो वर्क मिलता है, थीसिस, वो हम प्रिंट करते हैं, और बहुत ज्यादा हुआ तो हमने अपने ऑफिसेस के डॉक्यूमेंट्स को घर में प्रिंट कर लिया जो हमें बाहर करवाने जाने पड़ते थे। तो दोस्तों कम रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी बहुत कम रिक्वायरमेंट है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रिंटर ना लीजिए, क्योंकि बाहर जो प्रिंटआउट अगर आप निकलवाएंगे, महीने के अगर आप लोग 50 प्रिंटआउट भी निकालते हैं तो उसके लिए प्रिंटर लेना कोई अकलमंदी की बात नहीं है। आप बाहर से निकलवा सकते हैं, सस्ता पड़ेगा, एक बार में प्रिंटर में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके प्रिंटआउट ज्यादा हैं, 100, 150, 200 आप महीने में निकालते हैं, तो आप प्रिंटर ले सकते हैं। अब यहाँ दूसरी बात दोस्तों, प्रिंटर लेने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमें प्रिंटर में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और हमें उसके बाद प्रिंटर से प्रिंटआउट निकालने में कितनी लागत लगेगी। तो दोस्तों मैं आपको प्रिंटर बताऊं कि आपको कौन से लेने चाहिए, उसके पहले मैं बता देता हूं कि किस तरह के प्रिंटर आपको लेने चाहिए। दोस्तों तीन तरह के प्रिंटर मार्केट में अवेलेबल हैं। एक है इंक जेट प्रिंटर, जिसे हम डेस्क जेट भी कहते हैं, दूसरा है लेजर प्रिंटर, और तीसरा है इंक टैंक प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा लेने के लिए, क्योंकि ये प्रिंटर बहुत सस्ते आते हैं, और आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते भी हैं कि 2,000, 3,000, 4,000 के रेंज में कोई प्रिंटर बताइए। तो दोस्तों ऐसे प्रिंटर आप बिल्कुल अवॉइड करिए, क्योंकि ये प्रिंटर बहुत सस्ते आते हैं पर इनकी प्रिंटिंग बहुत महंगी पड़ती है। और अगर आपको आपके घर के प्रिंटर की प्रिंटिंग बाहर की शॉप से भी महंगी पड़े, तो फिर ऐसा प्रिंटर लेना कोई अकलमंदी नहीं है। दूसरे तरह के प्रिंटर होते हैं लेजर प्रिंटर। तो चूंकि आप घर के लिए कह रहे हैं, तो मोस्टली आप स्कूल और कॉलेज के जो प्रोजेक्ट्स निकालते हैं उनमें कलर प्रिंटिंग भी करते होंगे, तो लेजर प्रिंटर जो होते हैं वो मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटआउट ही निकालते हैं, तो मैं उन्हें भी लेने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। और दूसरा मेन रीजन जो है लेजर प्रिंटर ना लेने का, वो ये कि घर में नॉर्मली जो इन्वर्टर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते, और लेजर प्रिंटर इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम करते हैं। तो अगर कभी आपको चाहिए कि आप इन्वर्टर से प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो लेजर प्रिंटर से आप नहीं निकलवा पाएंगे। तो ऐसा प्रिंटर हम क्यों लें जिससे हम जरूरत के समय यूज ना कर सकें। तीसरी कैटेगरी है इंक टैंक प्रिंटर की। तो दोस्तों मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूं कि आप चाहे घर के लिए लें या फिर अपने बिजनेस के लिए लें, आप हमेशा इंक टैंक प्रिंटर ही लें। क्यों लेने हैं इंक टैंक प्रिंटर, जल्दी से थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहली बात तो ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम करते हैं, इन्वर्टर से चल जाते हैं। दूसरा, थोड़े से ये महंगे जरूर आते हैं, जिसको हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, मगर जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे, अब चूंकि आपने घर के लिए प्रिंटर लिया तो आप प्रिंट आउट निकालने से पहले सोचेंगे नहीं, जो मन में आएगा वो प्रिंट करेंगे। तो आप जो चाहे वो प्रिंट करिए, कलर करिए या ब्लैक एंड व्हाइट, आपको 10, 20, 30, 50 पैसे से ज्यादा एक प्रिंट आउट नहीं पड़ने वाला। जितना मर्जी उतना प्रिंट आउट निकालिए, प्रिंट आउट निकालने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंक टैंक प्रिंटर बढ़िया वाले सजेस्ट करूंगा, जो आप 11-12 हजार की रेंज में ले सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे 11-12 हजार आपके लिए महंगा है, तो भैया बाहर प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, क्योंकि 3-4 हजार के प्रिंटर आपको इससे भी महंगे पड़ जाएंगे। तो आज जो प्रिंटर बताऊंगा वो आपके बजट के होंगे, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, 2-3 साल तक तो कार्टेज और इंक रिफिल करने की आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं, जानते हैं वो कौन से प्रिंटर है जो आप अपने घर के लिए ले सकते हैं अपने बजट में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन जुगाड़। ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों घर में भी आप दो तरह के प्रिंटर्स ले सकते हैं, एक सिंगल फंक्शन जिसमें आप केवल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और दूसरे मल्टी फंक्शन जिसे हम ऑल इन वन भी कहते हैं, जिसमें कि हम फोटोकॉपी, स्कैनिंग और प्रिंटिंग दोनों कर सकते हैं। अगर ये जो सिंगल फंक्शन प्रिंटर हैं ये सस्ते होते तो मैं आपसे कहता कि आप ये ले लो। सस्ते थे पर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, कंपनियों ने अपने सारे ही प्रिंटर्स के दाम बढ़ा दिए, तो जो सिंगल फंक्शन प्रिंटर थे वो भी मल्टी फंक्शन ऑल इन वन प्रिंटर के लगभग बराबर प्राइस में आ गए हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपको उसी प्राइस रेंज में
ऑल इन वन मिल रहा है तो आप सिंगल फंक्शन क्यों लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कंपनी के प्रिंटर्स की, उन मॉडल्स की जो बहुत रिलायबल हैं, बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको प्रिंटिंग दे देंगे एक बार इंक टैंक रिफिल करने के लिए और काफी सस्ते आते हैं। तो वो प्रिंटर है एचपी की तरफ से आने वाले ये इंक टैंक प्रिंटर। इसमें आपको सबसे पहले सिंगल फंक्शन जो प्रिंटर है वो 115 मॉडल मिल जाएगा। ये अभी तक 7 से 8 हजार की रेंज में आ रहा था पर अब अचानक से इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया है, तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप ये लें, लेकिन अगर आपको इस रेंज में कहीं मिल जाता है तो आप ले सकते हैं। दूसरे हैं 310 और 319, ये दोनों ही जुड़वा भाई हैं, आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। 8000 और 5000 ये कलर और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट दे देंगे। 5000 एक बार रिफिल करने पे आप कलर निकाल सकते हैं, एक बार टैंक फुल हो जाएगा तो, और दूसरा 8000 आप ब्लैक एंड व्हाइट निकाल सकते हैं अगर आपने ब्लैक वाला इंक टैंक फिल कर दिया। तो ये कंपनी कहती है, पर अगर आपको 2-3-4 हजार भी आराम से दे देता है तो आपके लिए बहुत है, क्योंकि इसकी इंक बहुत सस्ती आती है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कैसे रिफिल करते हैं, वो वीडियो भी देख लीजिए, और इंक कितने की आती है वो भी आप वहां से खरीद सकते हैं। सारे प्रिंटर्स के लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों में आप कोई भी ले सकते हैं, स्पीड बहुत अच्छी है, एचपी की तरफ से आते हैं, गारंटी आपको मिल जाएगी एक साल की, साथ ही आपको जो प्रिंटिंग क्वांटिटी और क्वालिटी है वो दोनों बहुत अच्छी मिल जाएंगी। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस लाइए इंस्टॉल करिए और ये चालू हो गया, मतलब घर के लिए बेहतरीन प्रिंटर है, बहुत अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी देते हैं और आप इन्हें ले सकते हैं 11 से 11.5 हजार की रेंज में आराम से आप इन्हें खरीद सकते हैं। दोस्तों दूसरे जो प्रिंटर्स हैं वो है कैनन की तरफ से आने वाले ये वाले मॉडल। इसमें अब जो अपडेट हुआ है वो अभी तक मैं जो यूज कर रहा हूं प्रिंटर वो 10-10 मॉडल है, कैनन पिक्समा जी सीरीज का 1010, ये है 1020। ये सिंगल फंक्शन प्रिंटर है और सारे ही प्रिंटर जो मैंने अभी बताए आगे बताने वाला हूं उनमें ये अकेला ऐसा प्रिंटर है जो सिंगल फंक्शन सस्ता मिल जाएगा आपको 9 से 10 हजार रुपए की रेंज में, और प्रिंटिंग जो है वो ये बहुत सस्ती देने वाला है। लगभग 12 पैसे का आपको एक ब्लैक प्रिंट आउट पड़ेगा और 35 पैसे का आपको एक कलर प्रिंट आउट पड़ जाएगा। तो आप जितना मर्जी प्रिंट आउट करिए, पूरी किताब छाप दीजिए, इससे आपको बिल्कुल भी महंगा नहीं पड़ने वाला। इसी का अगर आप ऑल इन वन मॉडल लेना चाहते हैं तो कैनन पिक्समा जी 2020 ये वाला मॉडल आपको लेना पड़ेगा, और ये आपको वही 12 से 13 हजार की रेंज में मिल जाएगा और सस्ता भी हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे। नीचे जो मैंने लिंक दिया उस पर क्लिक करिए, आपको डिटेल पता चल जाएगी। तो आप ऑल इन वन लेना चाहते हैं तो ये वाला ले सकते हैं, मैं यूज कर रहा हूं पर्सनली, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। दोस्तों अगर ब्रदर की बात करें तो ब्रदर की तरफ से इस रेंज में आपको ये वाला मॉडल मिल जाएगा, ब्रदर डीसीपी टी 220 मॉडल। ये प्रिंटर ये आपको लगभग 11-12 हजार की रेंज में मिल जाएगा, ऑल इन वन प्रिंटर है और काफी अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी है इसकी। अगर कॉस्ट की बात करें तो आप एक बार जब इंक टैंक रिफिल कर लेंगे तो कंपनी के हिसाब से आप 7500 ब्लैक एंड व्हाइट और 5000 कलर पेपर प्रिंट कर सकते हैं। जो अभी जो मैंने प्राइस बताया 12-15 पैसे ब्लैक का और 30 से 40 पैसे कलर का, बिल्कुल वही रेंज में आपको इसकी भी प्रिंटिंग पड़ जाएगी। जितने भी प्रिंटर मैं आपको बता रहा हूं ये सारे ही प्रिंटर आपको A4 का प्रिंट आउट देंगे, स्कैनिंग भी आप A4 तक कर सकते हैं, लेटर पेज का भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि पेपर के साइजेस कैसे पहचानते हैं तो मैंने पूरी वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप यहां पर क्लिक करिए आई बटन जो दिख रहा है, इससे भी आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको काफी नॉलेज मिल जाएगा। मोस्टली ऑफिसेज में, स्कूल्स वगैरह में यही साइज पेपर का जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो आपको इन प्रिंटर से आपके सारे काम हो जाएंगे। दोस्तों आप बढ़ते हैं अपने अगले प्रिंटर की तरफ, लेकिन उसके पहले आप अपना काम कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है ताकि आपकी हेल्प हो सके, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप एप्सन के बहुत बड़े वाले फैन हैं तो आप इस प्रिंटर को ले सकते हैं, यह है एप्सन का L3101 मॉडल। एप्सन ने पता नहीं क्यों अचानक से अपने सारे प्रिंटर्स के प्राइस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। ये ही एक मॉडल बचा है जो आपको इसी रेंज में मिल जाएगा, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। ऑल इन वन प्रिंटर है, प्रिंटिंग क्वालिटी एप्सन की भी बहुत अच्छी होती है, और कॉस्ट जो है वो भी 12 से 15 पैसे ब्लैक और 30 से 40 पैसे कलर पड़ जाएगी। काफी अच्छे प्रिंटर हैं, पर अगर आप एप्सन के फैन हैं तो मैंने आपके लिए बताया, नहीं तो आप एचपी के और कैनन के मॉडल्स में से कोई भी चूज कर सकते हैं, वो ज्यादा सस्ते आपको पड़ जाएंगे। दोस्तों अगर कोई दिक्कत हो वीडियो देखने के बाद, कोई क्वेरी मन में आ रही हो, कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करिएगा, आप चेक कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट के रिप्लाई करता हूं, और मैं प्लान कर रहा हूं कि आपके कमेंट्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो भी लाया करूं, ताकि आपको मैं डिटेल से उन वीडियोस में आपके कमेंट्स की क्वेरी सॉल्व कर सकूं या समझा सकूं। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा।
लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार कहता रहता हूँ, आप करते भी हैं, उम्मीद है आप इसको भी करेंगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।